शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। हे का बादशाह बेगम, अगर तुम लोगों का आशीर्वाद हो तो दुनिया मेरी गुलाम। ओम गुलामायन महा, ओम दशायन महा, ओम अठ्यायन महा, ओम शक्यायन महा, ओम भूर्भुवस्वाहा। शिट, ये क्या इस्त्री की है? ऐसा कुर्ता पहनकर जाऊंगा तो लोग इस बादशाह को गुलाम समझेंगे। कहाँ है मेरी सड़ी हुई बेगम जानकी? ए जानकी, क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? सवेरे सवेरे मेरा मूड खराब कर दिया। तुझे कुछ अकल शर्म हाया है क्या? नहीं, मैं तेरा पति हूँ और पति बादशाह होता है बादशाह। सारी जिंदगी पति होने का ढोंस जमाते रहे, आज तक बाजार से चाय की पत्ती तो खरीद कर ला नहीं सके। बकवास बनकर, इस कुर्ते को इस्त्री क्यों नहीं की? ये इस्त्री नहीं तो क्या है? ये इस्त्री है, ये इस्त्री है। मुझे कड़क इस्त्री चाहिए, कड़क। अच्छा, कड़क इस्त्री? हाँ। उसके लिए कपड़ों को चावल की कांजी में डुबोना पड़ता है। यहाँ घर में खाने को चावल तो है नहीं, कांजी में कहाँ से डालूंगी? खाने को चावल नहीं, पहले क्यों नहीं बताया? वो साली बुढ़ी शांति, खाने पीने का सामान क्यों नहीं लाई? लाई हूँ, बेशरम कामचोर निकम्मे लाई हूँ। पाए लागू भाभी जी, जीती रहो भाभी जी। भगवान तुम्हारा साया हमारे सर पर ताश की पत्तों की तरह सजा कर रखे, ताकि मरते दम तक तुम मुफ्त के खाता। तेरा मेरा कव्वाली का मुकाबला चल रहा है क्या? मैं कर रही है, अपना खा रही, दूसरे के पेट पे लात मार रही है। चुप जा बैठ। तुझे भी सुबह सुबह यही घर मिलता है मांगने को? कहीं और जाके भीख नहीं मांग सकता था? निकम्मे पेटू। क्या माँ, गाली तो गरम गरम दे रही हो, चावल बासी दे रही हो। ऐसा चावल चूहे नहीं खाते, तू मेरे खिला रही हो। अरे चाचा, तू कहीं का महाराजा नहीं, भिखारी है भिखारी। तो क्या हुआ, इस संसार को चलाने के लिए राजा और भिखारी दोनों जरूरी हैं। राजा टैक्स लेता है तो भिखारी भीख लेता है। राजा महल में राज करता है तो भिखारी तुम्हारे दरवाजे पे आके फरियाद करता है। राजा इंसाफ करता है तो भिखारी बासी खाना साफ करता है। तुम्हारे दरवाजे पे आके अगर मैं भीख मांगता हूँ ना, तो तुम मेरे पे एहसान नहीं करती हो, मैं एहसान करता हूँ मालूम? हाँ तो जा, आज की बात मत आना मेरे दरवाजे पर। तो नहीं आऊंगा, पुलिस वाले की बीवी तो धौंस जमाती है क्या? वर्दी वाले भिखारी की बीवी। क्या बोला? हाँ फिर, तू क्या समझती है गांव में तेरा एक दरवाजा जहाँ भीख मिलती है? 50 दरवाजे हैं जहाँ पे लोग भीख देने के लिए भिखारियों को तरह लाइन लगा के खड़े रहते हैं और आवाज लगाते हैं, भीखो भिखारी, आ मालिक, भीख ले जाओ। मालूम, जाओ, भगवान तुम्हारा भला करे, इसका कोई चांस नहीं है। अम्मा, अबे तानसेन की भिखारी औलाद। बोलो माई बाप। इधर आ जा। आ गया माई बाप। बैठ जा। थैंक यू। अरे झटका क्यों खा गए, मेरी ब्यूटी से जल गए क्या? अबे डामर, मेरी बराबरी में आकर बैठता है, जानता है तुझ में और मुझ में कितना फर्क है? हाँ जानता हूँ ना। हाँ फिर? मुझे भीख मांगने के लिए दर दर पे जाना पड़ता है, आपको घर में बैठे ही भीख मिल जाती क्या है। बोला? नहीं नहीं, मैं नहीं बोलता हूँ। फिर सारा जमाना ये कहता है। आजकल तो स्कूल में बच्चों को भी पढ़ाया जा रहा है। रात मारूंगा। नहीं नहीं नहीं, मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, पिछले महीने पहने मैंने। भिखारी की तरह नीचे बैठ, चल। पायल कहीं का। सच कहा है किसी ने, क्या जिंदगी एक तराजू की तरह है, जो वजनी है वो नीचे चले जाते हैं, जो हल्के हैं वो ऊपर चले जाते हैं। बकवास बनकर, चल शो कर, कितना कमाया, कितना कमाया? आपसे तो ज्यादा कमा लेता हूँ। एक दिन तुझे इतना मारूंगा ना कि तू अम्मा बाबा पुकारना भूल जाएगा। क्या पुकारना भूल जाएगा? अम्मा बाबा भूल जाएगा। अभी रोटी नहीं पकी, बाद में आना बाबा। नहीं माई, मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ, ये भीख मांगने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी, चलो ना कल से साथ में भीख मांगते। मत मांगो, मेरा क्या? गधी कहीं की साली। गुरु जय, वो देखो। अबे हट। किसी फिल्म की हीरोइन लग रही है। अपने गांव में किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है क्या? पता नहीं यार। मेरी बचपन से तमन्ना थी क्या कि मैं फिल्म का हीरो बनूं। तू गुरु, इसकी मेरी जोड़ी कैसी रहेगी? उसकी और तेरी जैसे बगले और कौवे की होती है ना वैसे। मैं आपकी बात नहीं करूं, मैं मेरी बात कर रहा हूं। पिताजी। तेरे को क्या, आपको बोल रही, मुझे थोड़ी बोल रही है। पिताजी कौन है तू? मैं तुम्हारी इकलौती लाडली बेटी नेहा। क्या हुआ पिताजी? अरे नेहा, तू तू शहर जाकर अपने आप को कितना बदल लिया है?
माँ कहाँ है? अंदर है, अंदर जा जा जा। ए, रसोई घर में। 10 सेकंड में कितने सारे सपने देख डाले, सब मिट्टी में मिल गए। ए बंदर मंकी, इस गेटअप में कैसा दिख रहा हूँ? कहाँ दिख रहा हूँ? क्यों ऐसा लगता अंधेरे ने गॉगल पहना हुआ? अरे हट आओ। गुरु चलते टाइम आपकी टांगे हिलती हैं। अरे जरा दूर रह जा यार। कितना पीछे रहा हूँ, बदबू आ रही है। नमस्ते मालिक। नमस्ते। ए, इधर आओ। जी मालिक। नजदीक आओ। जानता नहीं हम कौन है? जी आप प्रधान बाबू के होने वाले ससुर हैं। और ससुर के सामने सर पर पगड़ी बांधकर घूम रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? पगड़ी उतार, कमर में लपेट ले, चल हट। राम राम मालिक। हराम खोर, चर्बी चढ़ गई है? नहीं मालिक। इतने बड़े आदमी का अपमान करता है? नहीं मालिक के बच्चे, हा? तुझे नहीं मालूम कि हम गांव के प्रधान रवि बाबू के होने वाले ससुर है? और उनके सामने तेरी ये मजाल कि सर की पगड़ी खोलकर कमर में बांध ली? मालिक आपने कल्लू को मारकर पगड़ी कमर से बांधने के लिए कहा था, इसीलिए किया। लेकिन जब तक हम थप्पड़ नहीं मारते, हुकुम नहीं देते, गाली नहीं देते, पगड़ी सर पर ही होनी चाहिए। बांध पगड़े, रात को भी बांध के रखना, नहीं तो सर काट दूंगा। जा। अबे जानवर। जी बड़े भाई। ये छाता तू किसके लिए पकड़े हुए है? अपने लिए। अच्छा है? क्या ये छाता हमने तुझे भीख में दिया हुआ है? नहीं सरकार, इंसान जो चीज खुद भीख में लाता है वो दूसरों को भीख में कैसे दे सकता है? फिर बकवास। देखिए ये आप किसान के खिलाफ है। आप कौन है? आप राजा है, बड़े आदमी है, मैं आपका वजीर हूँ, इसलिए मारामारी बंद। मारने का काम मेरा, अगर आज के बाद आपको भी मारना होगा ना तो मैं मारूंगा। ओहो। अब देखिए मैं कैसे गोल खिलाता हूँ, फॉलो मी। ओहो। नमस्ते मालिक। हॉल्ट। पतली जात के मोटे जानवर, हराम खोर, तूने इनको क्या समझ रखा है? ये कोई जलील है, लुच्चे है, लफंगे है, कुत्ते है, गधे है, कौन है? कितनी गालियां दे रहा है? गाली नहीं दे रहा हूँ, फिर मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ। इसको याद दिला रहा हूँ कि आप इस गांव के प्रधान के होने वाले ससुर हैं, और इसने आपके सामने कमर के नीचे कपड़ा बांधा हुआ है। हरामखोर, निकाल इसको। अरे नहीं नहीं, रहने दे रहने दे। ये महाराज। ओ हो 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 हो। अरे बाप रे, अरे सत्यानाश हो जाए तेरा, ये देख क्या क्या दिखा रहा है। अरे करीब आके दिखा। अरे नहीं। अरे एक बात याद रखना, मरते दम तक इसी हालत में हर रोज सुबह इनके पास जाना, सुबह दोपहर शाम और रात इनको सलाम करना, एक एक घंटे तक। खुश महाराज। हराम खोर, खैर जा, कमी नहीं कागो, भिखारी की औलाद, खैर साले। हाँ चलो हटो, पहले काम की बात करो। अरे काम ही की तो बात करने आया हूँ मेरी ईट की रानी, जब तू एक आध दिन मिलती नहीं है ना तो मैं रात भर तेरी याद में सोते रहता हूँ और सपनों में जागते रहता हूँ। तू एक काम करना, मुझे हर दिन इस कुएं के पास मिलते रहना, हा? हम दोनों मिलकर मेंडीकोट और पेटीकोट खेलेंगे। चलो हटो, हमेशा अपना गंदा मतलब लेके आ जाते हो। पहले ये बताओ मेरे काम का क्या हुआ? तेरा कौन सा काम? मेरा कौन सा काम? तुमने मुझसे नहीं कहा था कि मुझे 5 एकड़ जमीन लेके दोगे और उसमें एक बोरिंग पंप भी लगा के दोगे, कहा है वो सब? बोरिंग बोरिंग पंप, पंप पंप तो तैयार है, सिर्फ मैं जमीन ढूंढ रहा हूँ। जैसी जमीन मिल जाएगी ना मैं पंप फिट करवा दूंगा। गुस्सा क्यों होती है? ए देख, मैंने तेरे लिए शहर से रेशमी साड़ी और हलवा लाया हूँ, तू जल्दी से मेरे सामने साड़ी पहन ले, फिर हम दोनों मिलकर हलवा खाएंगे। मुझे नहीं चाहिए। अरे पहन लेना। गांव के प्रधान। अरे बाप रे। नहीं आए, मैं आया हूँ। अरे सत्यानाश हो तेरा, मेरी तो जान निकल गई। अभी कहाँ निकली है, अभी तो शुरू किया है। तू किस लिए आया है? वो शैतान की गाड़ी का पेट्रोल लाया हूँ। अरे सीधे से बोलना, शराब लाया। एक ही बात, शराब पिएगी? मैं नहीं पीती, मुझे देर हो रही है। अरे तू हलवा तो खा के जाना। मैं जाती हूँ। अरे साड़ी तो पहन के जा। मैं पहन लूं? तू इतनी जल्दी काहे को आया? इतनी जल्दी? हाँ। 3 घंटे के बाद मैं आया हूँ। 3 घंटे में तो इंडियन पिक्चर खत्म हो जाती है इंडियन न्यूज के साथ में। तुम्हारी पिक्चर लंबी है क्या? ये रील में कचरा आ गया। अरे तेरी तो पाँव पाँव हवा में रोक लीजिए, हो सके तो दूसरा भी हवा में उठा लीजिए। क्यों? आपकी बर्बादी का टाइम आ रहा है। कहाँ से? वो देखिए। अरे बाप रे। मैं चलता हूँ। कहाँ? आपके लिए भीख में कफन मांगने। अरे साले भिखारी का बाप। अरे कहाँ गई, तो रखी थी।
गुरु तुमने मेरी वो देखी? क्या देखी? देखता नहीं मैं खाना खा रहा हूँ, दूर खड़ा हो जा। तुम्हें कौन सा, तुम्हारे खाने के साथ तुम्हारे पेट में जा रहा हूँ, अपनी थाली देख रहा हूँ, तुमने मेरी थाली देखी क्या? थाली? तेरी गंदी बदबूदार भिखारी की थाली मैं देखूं? बहुत अच्छे। चोर के घर में चोरी तो सुना था, पर फकीर के झोले में चोरी में पहली मरतबा देख रहा हूँ। बकवास बनकर। बकवास नहीं कर रहा हूँ, अर्ज कर रहा हूँ, पहले आपको मेरे साये से भी नफरत थी। वो तो आज भी है। भिखारी बनना आपको पसंद नहीं था? तो कौन बनना चाहता है भिखारी, भिखारी साला? तो फिर ये भिखारी की थाली में खाना क्यों खा रहे हो? ये तेरी थाली है? जी मेरी थाली है। जो बेड में गया वो भी निकालो। वो तो निकलेगा ही, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हैं? साला तेरा गंदा खाना गलती से खा गया, अब तेरे भिखारीपन के कीटाणु मेरे पेट में चले गए तो मेरा क्या होगा? तुम्हारी बर्बादी। क्या बोला? सामने गुरु, माना कि मुंह को खाने की प्रैक्टिस छूट गई है, मगर जबान हिलाकर बात करने की प्रैक्टिस भी छूट गई है क्या? हाँ। और क्या, तुम बहुत ऊपर उड़ रहे हो। अरे कवे को ऊपर उड़ना चाहिए मगर हवाई जहाज के जितना नहीं, वरना ऊपर जाके पर टूट जाएंगे तो चूहा बन के नीचे गटर में गिर के मर जाएगा। क्या मतलब? अरे मतलब ये कि बुढ़िया की बात मान लो, अगर तुम्हें शादी से इनकार करोगे तो तुम्हारी हालत मेरी जैसी हो जाएगी। भीख मांगते फिरोगे, गली गली में आवाज लगाओगे, अम्मा 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 अम्मा। गुरु खड़े खड़े सपने में भीख मांगना शुरू कर दिया? नहीं नहीं। ये हवा भरी हुई गदेली कहां से आ गई? उठिए गुरु, सरकार लीजिए, पीजिए चाय गर्मा गर्म। नहीं, मेरे लिए सुबह सुबह गर्मा गर्म चाय, वो भी इतने सम्मान के साथ? वाह भाई लंगड़े वाह। तुम सिर्फ तन के लंगड़े हो, मन में चार चार टांगे हैं तुम्हारी। तुम महान हो, हम तुम्हें सलाम करते हैं। सलाम मुझे? वो क्यों? इसलिए कि तुम हमारे लिए गर्मा गर्म चाय लाए। लाओ यार, दो दिन से चाय नहीं पी है मैंने। ला गुरु। ये चाय तुम्हारे लिए नहीं है, ये मेरे लिए है। ये मेरा सेक्रेटरी है। क्या जी? नमस्कार। क्या रे सेक्रेटरी, हमारे लिए आज का अखबार नहीं लाया? हिंदी? इंग्लिश का पेपर अब तक मार्केट में नहीं आया, ये हिंदी का अखबार लाया हूँ सरकार। अच्छा तुम जरा दूर हट के बैठो, हम मजे ले ले के अखबार पढ़ते हैं और चुस्की ले ले के चाय पीते हैं, और चाय पीते वक्त हम सड़े हुए लोगों की शक्लें नहीं देखते हैं। ये देख, अब तू सिर्फ अखबार पढ़, अखबार पढ़, और पढ़ते वक्त एक भी शब्द गलत बोला ना तो ये डंडा तेरे मुंह में ठोस दूंगा मैं। तू डरना नहीं, ये बेचारा घरेलू परेशानी से पागल हो गया है। सुबह क्या बोलता है? मैं थोड़ा खाने का ऑर्डर दे रहा हूँ। सेक्रेटरी जरा रॉयल होटल जाओ, वहाँ स्पेशल पराठा, कोरमा और बिरयानी, जितना भी रात का खाना बचा सब लेकर आ जाओ। ओके सर, तुम्हारे लिए भी कुछ मांग कर ले आऊं? तेरी तो लंगड़े, तू जाता है या तेरी दूसरी टांग तोड़ दो। अरे ये ठीक हो गया? ये पार्ट टाइम लंगड़ा है, अभी नाके पे जाके अंधा हो जाएगा। तू कब अंधा होगा? ओ डीली पैंट। क्या है? इधर आओ। ये क्या है? 10 पैसे। काहे के लिए? भीख दिया आपको। भीख दिया है? 10 पैसा आज के जमाने में गटर में गिर जाए तो गटर उठा के बाहर फेंक देता, तू मुझे 10 पैसा भीख में दे रहा है? इससे ज्यादा हम लोग देते हैं। 1 रुपया ले मेरी तरफ से, जाके चाय पी लेना और मेरे बच्चों को दुआ देना जो अभी तक पैदा नहीं हुए। चल चल। फकीरों का स्टैंडर्ड खराब करने चले आते हैं भाई यार, नालायक। कौन है भाई? अरे गुरु आप बिना लाइसेंस के फकीरों के लाइन में क्या कर रहे हैं? अबे भिखारी, मैं क्या यहाँ भीख मांगने आया हूँ? तो भिखारियों की लाइन में क्या कर रहे हो, चंदा देने को आए हो क्या? अरे मेरी बेटी नेहा अंदर गई है। अच्छा? उसे मिलने आया हूँ। भीख मांगने के वास्ते? अरे नहीं। ओ वो आ गई। अरे 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 चौरंगी भैया, ये उंगलियां टेढ़ी कैसे हो गई? साला रात को मैं रॉयल होटल में चिकन बिरयानी खाने गया था। चिकन बिरयानी की खुशबू सुनकर एक कुत्ता मेरे पीछे आ गया, मैं भागा, कुत्ता मेरे पीछे भागा, मैं गिर गया और मेरी उंगली में जख्म हो गया।
जल्दी से किसी डॉक्टर को दिखाओ, कहीं कुष्ठ रोग या कोढ़ की बीमारी ना हो जाए भाई। कोढ़? इरादा क्या है तुम्हारा, इरादा क्या है तुम्हारा? कुछ नहीं चौरंगी जी, घर से तो निकाल दिया, अब कोढ़ बताकर गांव से भी निकालने का इरादा है क्या? नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया कमाल। अरे आप ये सिखाता है, तेरे को होगी कोढ़ की बीमारी। तुझे क्या हो गया? कितना अंधेरा है यार। अरे संभाल के गुरु, रात का समय, ये सांप और बिच्छू पिकनिक मनाने के लिए बाहर निकलते हैं। अरे क्या कर, मैं तुम्हारी रखेल पुष्पा थोड़ी हूँ। ठरक बस। अच्छा एक बात बताओ, ये रास्ता तुम्हारी रखेल पुष्पा के घर की तरफ तो जाता नहीं है, ये आधी रात को तुम मुझे खेत में कहाँ ले जा रहे हो? ये मेरी चाल का एक पत्ता है, पत्ता। गुरु, तुम्हारे चेहरे के टेलीविजन पे मुझे शैतान दिखाई दे रहा है, तुम क्या बेमानी की चाल सोच रहे हो? बताता हूँ, एक पत्थर तो उठा। पत्थर? पत्थर का क्या करोगे? उठाता या नहीं? जी गुंडा कर दिए, वो पत्थर चलेगा? हाँ चलेगा। जा फिर उठाओ। मैं उठाऊं? तो क्या मैं उठाऊं? नहीं, मुझसे नहीं उठाया जाएगा। अच्छा, दामाद की पहाड़ जैसी गालियों का बोझ उठा सकते हो, इतने से पत्थर का बोझ नहीं उठा सकते? अरे उठाता है या नहीं रे, भिखारी के औलाद है। अरे मैं कमजोर भिखारी हूँ, मैं दुआओं का बोझ नहीं उठा सकता, ये पत्थर का बोझ मुझसे कहाँ उठेगा? एक काम करो ना, तुम उठाओ ना, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। जाओ ना, चलो दोनों। ये क्या कर रहे हो? दिया उठा। लगा दो, शाबाश। अरे उठाओ तो सही, डालो सर इसके नीचे, सर सर सर, हाँ शाबाश। ये तो बहुत वजनी है, बहुत वजनी है। चलते रहो, बहुत वजनी है। थोड़ी देर के बाद वजन नहीं लगेगा। क्यों? आदत पड़ जाएगी ना। चलो चलो मैं मदद करता हूँ। ये तू क्या कर रहा है? बोझ मेरे सर पे और हाँ तू रहा है। मैं तुम्हारा दुख बांट रहा हूँ, अब ऐसा थोड़ी हो सकता है कि तुम पत्थर भी उठाओ, हाँपने का काम भी करो, इसलिए तुम खाली पत्थर उठाओ, हाँपने का काम मैं करता हूँ। बाबूजी। अरे रवि बेटा, तुम इस वक्त यहाँ, जाओ जाकर आराम करो। आराम करने की उम्र आपकी है बाबूजी, देखिए कितना खांस रहे हैं, जाइए घर जाकर सो जाइए। लेकिन नेहा बिटिया को अकेला छोड़कर तुम यहाँ? एक रात की तो बात है बाबूजी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, जाइए। अच्छा। चक्कर क्या है इसका, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो तो पागल होना चाहिए या तो। अरे गुरु, गुरु, गुरु मर गए। मेरे गुरु मर गए, तुम दूसरे के लिए खड्डा खोदते थे, उसमें खुद गिर के मर गए। अरे तुम मरे नहीं अब तक, मुझे उठा चल। सब रोना हराम में गया, शी सारी मेहनत पानी में गई। अरे बाप रे, लगता है सत्य पे अट्ठा मारने से पहले ही मैं मर जाऊंगा। काश ऐसा हो जाए, मैं तो लड्डू बांटूंगा तेरी। तो साला मजा हर वक्त गालियां देता है, साला जाल।